एक बार फिर हमारे फास्ट इंडिया 24 में दिखाई गई खबर का असर देखने को मिला है, जहां दो दिन पहले हमारे फास्ट इंडिया 24 की टीम ने नगर पंचायत भटगांव के गोठान पहुंची थी, जहां गोठान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब पाई गई थी। गाय बछड़ों की भूख प्यास से जाने जा रही थी, साथ ही उस गोठान में छावनी नहीं होने के कारण दिन रात बरसात के पानी में भीगने से बहुत से मवेशी बीमारी के शिकार हो गए थे, जिनका इलाज की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी खबर हमारे रिपोर्टर संदीप पटेल ने बड़े ही बारीकी से कवरेज की, जिसे हमारे फास्ट इंडिया 24 चैनल ने बड़े ही प्रमुखता से दिखाया। और खबर दिखाए जाने के बाद लगातार नगर भटगांव के गोठान में अधिकारी पहुंचे और निरीक्षण किया गया, जिसके बाद बिलाईगढ़ SDM ने गोठान को व्यवस्थित रखने और गोठान में रखे सभी गाय बछड़े को चारा पानी देने के लिए निर्देशित किया गया है। गौरतलब हो कि गोठान में चारा पानी तो दूर, गोठान में बछड़े की मौत होने की जानकारी नगर पंचायत अधिकारी को नहीं थी और ना ही उक्त गोठान में मवेशियों को की देख रेख के लिए कोई कर्मचारी की व्यवस्था की गई थी। लेकिन हमारे फास्ट इंडिया 24 में खबर दिखाए जाने के बाद पूरे गोठान में जगह जगह मवेशियों के लिए कूटने में पानी रखा गया है, पर्याप्त मात्रा में चारा दिया जा रहा है, साथ ही लगातार हो रही बारिश के पानी से बचाने के लिए छावनी की व्यवस्था भी की जा रही है। इतना ही नहीं, जितने भी मवेशी बीमार थे या चोट आई थी, ऐसे गाय बछड़ों का डॉक्टर इलाज भी किया गया। ज्ञात हो कि इस मामले में नगर पंचायत अधिकारी मधुलिका चंदेल मीडिया में जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद हमारी टीम ने इस पूरे मामले से जिला कलेक्टर को अवगत कराया, जिसका सीधा असर गोठान में अब देखने को मिल रहा है। सुबह शाम दोपहर तीन पाली में मवेशियों की देखरेख के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है, टाइम टू टाइम चारा पानी दिया जा रहा है, मवेशियों के रहने के लिए छावनी की व्यवस्था की गई है, जिससे किसान भारी खुश हैं। वहीं इस संबंध में बिलाईगढ़ SDM के L सूरी ने कहा कि उस गोठान में चारा पानी व्यवस्था करने और मवेशियों के रहने के लिए छावनी को सेट करने के लिए बोला गया है और जितने भी पशु बीमार थे उनका इलाज भी करवा दिया गया है और जो बछड़े की मौतें हुई हैं उसका कारण भूख प्यास के कारण आपस में लड़ाई हुआ होगा और तो वहीं उसकी मौत हो गई होगी। और वहीं आगे कहा कि गोठान की बदहाली और बछड़े की मौत का कारण नगर पंचायत अधिकारी CMO की लापरवाही बताई गई है। अब गोठान में रखे गए बछड़ों के लिए समुचित रूप से चारा पानी और देखरेख के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था होने से नगरवासी व किसानों में खुशी देखने को मिल रही है और नगरवासियों ने उच्च अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। खबर चला जाने के बाद काफ़ी अच्छे असर देखने को मिल रही है, किस टाइम में चारा पानी की व्यवस्था किया जा रहा है? ये तीन टाइम, एक मॉर्निंग में 8 बजे, प्रातः 8 बजे हमारे कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी है वे प्रातः 8 बजे देते हैं, उसके बाद दोपहर में अभी जस्ट हम लोग दिए हैं, उसके बाद शाम को जो 5 बजे उस देते हैं। बाकी अगर हम बात करें ड्यूटी किस, तो सुबह रात क्या क्यों सी ड्यूटी रहती है? 5 पाली में ड्यूटी लगा है, 10 कर्मचारी हैं, एक सवेरे 5 बजे से 9-10 तक हैं, उसके बाद फिर 10 से फिर 12 बजे तक, 12 बजे फिर इन लोग आ गए हैं, उसके बाद 3 बजे से लेकर 6-7 बजे तक रहते हैं, उसके बाद मैं बीच बीच में निरीक्षण भी करते रहता हूँ। चारे की क्या स्टॉकेज है? चारे की अब 2 रूम में भरा हुआ है, पहने के रूप में और एक ये जो कहना चाहिए गोठान है, जहाँ भी हम लोग स्टोर करके पहले रखे हैं। पानी के लिए क्या व्यवस्था है? पानी वहाँ बोर खोदा हुआ है, बोर के माध्यम से नल के जरिए से यहाँ जो कोटना बना हुआ है उसमें पानी एनी टाइम चलते रहता है। आपका परिचय? जी, ओंकार सिंह, रोका छका प्रभारी भड़गांव। क्या नाम है आपका? देवराम जैसा। अच्छा, खबर चला जाने के पहले यहाँ कई सारे पशु जो है बीमार थे, उनके इलाज के लिए भी क्या व्यवस्था की गई? डॉक्टर डॉक्टर बुलात हैं और सूजी उजी लगे से काकड़ो पेट घाव हो गए से और खुरात ये सूजी उजी लगे से। और कौन कौन तरह की समस्या बीमारी रही से? और समस्या नहीं है। अच्छा, अभी जहाँ जितना भी यहाँ गरवा रखाए गए है MN के कोई प्रकार कोई समस्या की बीमारी थोड़ी है अभी? नहीं है, नहीं है अभी सब स्वस्थ है। बिल्कुल।